एक तंत्रा न्यूमेरो के नाम से मैंने कोर्स निकाला है, 6, 7, 8 तारीख को वो कोर्स है। इंट्यूटिव न्यूमेरोलॉजी आज तक किसी ने निकाली नहीं, इंडिया में हुई नहीं है। इंट्यूटिव न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी जानते होंगे जिन जिन ने सीखा होगा या जैसे जैसे, उन लोगों ने इंट्यूशन नहीं देखा होगा, इंट्यूटिव न्यूमरोलॉजी नहीं देखी होगी। कैसे हो सकती है इंट्यूटिव न्यूमरोलॉजी, वो है इसमें। उसमें ये चीज़ें हमने ली हुई है ये, क्योंकि उसमें टाइम है। ऐसा नहीं मैं अभी भी करा दूं, मैं देते टाइम में ना ये नहीं सोचता क्या हुआ नहीं हुआ। तो अभी कुछ दे देना 10-15 मिनट। हाँ जी सर, कुछ तो हो जाए सर। वो 3 दिन का कोर्स है, दिल्ली में है जी। लिंक मैं हूँ, मैं ही कराता हूँ, मैंने बनाया है। मैंने उन चीज़ों को जब देख लिया 10-10, 15-15 साल लोगों पे टेस्ट करके, अब ऐसे ऐसे करके आदमी जा सकता है अंदर। राइट ठीक है, चलो हम तो भूल गए। सपोज कोई सेकंड पर्सन है, ठीक है, वो इस चीज़ को भूलने के लिए तैयार नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात जी, बैठ। sure. देखिए होता क्या है, कभी भी भूलने का जो विज्ञान है, मैं भूलने का विज्ञान, ऐसे आप भूल भी नहीं पाएंगी। ब्रेन में ऐसा कोई स्विच है नहीं कि ऐसे किया ऑन और ऐसे किया ऑफ, वो आप में चलता ही रहेगा। भूलने की टेक्निक्स हैं जिससे आप भूलती नहीं है, आप हील होती है, उस फ्रीक्वेंसी से हील होती हैं जो आपके अंदर बैठ गई है। सपोज आपका किसी से कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ हो गई, आप बस ले जाओ, जब तक मैं भी खींच रहा हूं उसको, वो भी खींच रहा है, मैं भी खींच रहा हूं वो भी खींच रहा है, मैंने छोड़ दिया, वो पकड़ के खड़ा रहेगा, बैठ जाएगा, थोड़ी देर में बैठ जाएगा, मुझसे पूछेगा भी नहीं क्या करना है, उसे पता है बैठ जाना। क्वेश्चन का जवाब तो सीधा मिल गया आपको। अब टेक्निक समझिए, होता क्या है, जब भी हम किसी को ऐसे करते हैं इस टाइप से, जो आपने कहा है कि वो भी भूले, हम याद दिलाते रहते हैं उसको रात दिन, तू भूलेगा कैसे, तूने क्या मुझे छोटा समझ रखा है, तू भूल कैसे जाएगा, मैं क्या मतलब इतना जो बोला वो भूलने के लिए, इतनी एनर्जी गई मेरी, इतना कुछ मेरे साथ हो गया, ये भूलने के लिए, तू भूल गया, अच्छा आ रही हूं रुक जा। अगर वो बेचारा भूल भी गया होगा या बेचारी भूली होगी तो आप भूलने नहीं देंगी उसको किसी भी हालत में, भूल है कैसे, मैं कुछ हुई नहीं, मुझे भूल ही। अगर वो पनाह भी मांगेगा ना आपसे, माफ कर दो, तो भूल कैसे जाएगा, ऐसी वो कर रहा होगा। हम विचारों में लड़ते रहते हैं, विचारों में लड़ते रहते हैं, विचारों में इतना लड़ते रहते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। जो पहला जो सूत्र था ना, वो दिन रात हमारे साथ घटित होती रहती है, इतना हम विचारों में लड़ते रहते हैं। अब आप इसको हील कर लीजिए, हील करने के लिए मेडिटेशन है, उसके लिए चीजें हैं। जैसे आप उस पद्धति से गुजरती हैं, मैं आपको अपने, मैं भी तो इसी जीवन में जी रहा हूं, मैं कोई पहाड़ पे तो रहता नहीं हूं, डेली इस जीवन को जी रहा हूं मैं। हो सकता है आप में से कोई उस जीवन को ना भी जिए जिस जीवन को मैं जी रहा हूं। डेली हील करता हूं, डेली हील कराता हूं अपने क्लाइंट्स से। ये केवल किताबी बातें नहीं है, ये एक्यूरेट सत्य है। आपको यहां हील करा दिया, आपको यहां हील करा दिया, आपको यहां हील करा दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन में आपका माइंड किसी भी बड़े से बड़े थॉट को भूल जाता है, कम कर देता है, 13 दिन में खत्म कर देता है। अभी तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है, अभी बहुत कुछ इसके संबंधित तो 150 मेडिटेशन है, ये तो पूरा एक शास्त्र है। ये अलग अलग है, रिलेशनशिप के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, फिर अलग के लिए अलग है, फिर हेल्थ के लिए अलग है, वो सारे मेडिटेशन अलग 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 जोन के लिए है, जो वास्तु के हिसाब से भी, फिर सभी देवताओं के वाइब्रेशन पे है। मैं तो पता नहीं इसमें क्या क्या कर रखा है, अभी पहले आप ये पूरा बेसिक तो कर लो। हाँ
अच्छा,